कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? जस्ट स्टार्ट किया था हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर हमने देखा था उसका nth टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट से कोई टर्म निकालना है वो कैसे निकालना है। कहानी को बढ़ाते हैं आगे, एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, करके दिखाओ आपको। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा सवाल है। फर्स्ट थ्री टर्म्स नोट करो शब्द ऑफ एन एपी आर एक्स प्लस वन, थ्री एक्स एंड फोर एक्स प्लस टू, फाइंड इट्स 11th टर्म। सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है बच्चों, ध्यान दो बोर्ड पे। बोल रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्स प्लस वन, थ्री एक्स एंड फोर एक्स प्लस टू, देन फाइंड इट्स 11th टर्म, यानी कि इस एपी का 11th टर्म हमको फाइंड करना है। हमने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, याद करो, एपी में कोई भी नंबर है, जैसे कि तीन नंबर दिया हुआ है, x प्लस वन, थ्री एक्स एंड फोर एक्स प्लस टू। अगर कोई भी नंबर एपी में है तो हमें पता है किसी भी टर्म को अगर पीछे वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करूं तो हमेशा क्वांटिटी एक कांस्टेंट निकल के आता है, जिसको हमने कॉमन डिफरेंस नाम दिया था, ठीक है। तो मैं बस वही अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यानी कि थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बिल्कुल सिंपल काम किया है। तो यहां से देखो तो 3x माइनस x हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू, आरएचएस में देखो तो 4x माइनस 3x x प्लस 2, 2x माइनस x हो गया x, ये 1 उधर जाके 1 प्लस 2 बन गया 3, यानी कि x का वैल्यू निकल के आ गया बच्चों 3। अगर ये x का वैल्यू यहां 3 डाल दूं तो मुझे ap अभी दिखाई दे रहा है साफ साफ। पहला टर्म देखो 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो गया, यहां पे 3 रखूं तो 3 * 3 9 हो गया, और यहां पे 3 रखो तो 12 प्लस 2 14 हो गया। और ध्यान से देखो तो साफ साफ नजर आ रहा है ये AP में है 4 9 14, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 4 है, और जिसका कॉमन डिफरेंस अगर देखो तो 9 माइनस 4 5 है। और अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया, उसके बाद हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था हमें जैसे निकालना है कौन सा 11th टर्म, देन t 11 विल बी इक्वल टू व्हाट, a प्लस 10d, याद है, a प्लस n माइनस 1 * d, n की जगह पे 11 रखूंगा तो 11 माइनस 1 10 बन जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है 4 प्लस 10 इनटू d का वैल्यू कितना है 5, दिस इज 50 प्लस 4, 54 इज द 11th टर्म ऑफ दिस AP। अगर किसी को डाउट हो तो पूछेगा वरना नोट करो। किसी का आ गया था क्या आंसर, एनीवन? वेरी गुड, बढ़िया, नोट करो। इसके बाद कुछ और सवाल कराऊंगा पहले मैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Find number of integers from 100 to 1000 which are divisible by 3. अगला सवाल है, जिनका हो गया लिखो, हालांकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सवाल। Find number of integers from 100 to 1000 which are divisible by 3. 100 और 1000 के बीच में वो integers बताना है कितना है जो कि 3 से divisible है। चलो बता दो मुझे, किसी का आंसर, एक मिनट का टाइम देता हूं, एक मिनट भी नहीं, थोड़ा उससे भी कम, थोड़ा फास्ट करो, मुझे आंसर बताओ अगर किसी का आता है तो। नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 100 टू 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, 100 और 1000 के बीच के वो इंटीजर्स बताएं जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि कितने हैं वो। अब काउंटिंग करने मत लग जाना, भावनाओं को कंट्रोल में रखना, यानी कि काउंट करने लग जाना, अच्छा एक काम करते हैं गिन लेते हैं 100 और 1000 के बीच में कितना है। तुम सबसे पहले 100 और 1000 के बीच का पहला इंटीजर बचाओ जो 3 से डिविजिबल हो, पहला क्या है 102, क्या सबको लग रहा है क्या 102 इज फर्स्ट नंबर, 24 आंसर बोल रही हो तुम, ओके चेक करते हैं, होल्ड ऑन। हाँ भाई, इसके बाद 102 के बाद अगला कौन सा आता, 105। अब तो सिंपल है, 33 ऐड करते जाओ, 108 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कौन सा होता बच्चों, लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 बिफोर 1000, 999, वेरी गुड बच्चे। तो ध्यान से देखो, तो एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है 102, लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है 999, और कॉमन डिफरेंस तो पता है 3 का। मुझे कुछ नहीं करना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, फॉर्मूला याद करो, l माइनस a डिवाइडेड बाय d प्लस 1, लास्ट क्लास l, l इज 999 माइनस फर्स्ट टर्म इज 102 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 1, चेक करो आंसर, ये हो गया कितना 798 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, कितना आ रहा है बच्चों,
300 आ रहे हैं क्या? 300 आ रहे क्या? किसने बोला था 24? वे लड़की तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, लड़की का नाम क्या है जिसने 24 बोला था? कहाँ चली गई ये? गलत आंसर बोल गई। कोई बात नहीं, आंसर गलत होता है, होने दो। सॉल्व करना बंद मत करो, हर सवाल को ट्राई जरूर करो एक बार, क्या पता आंसर आ जाए। किसी को कोई दिक्कत? एक और सवाल लिखो, चलो वन मोर क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5। एकदम 10 सेकंड के अंदर अंदर में आंसर चाहिए मुझे। नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5, जल्दी से। वन एट्टी वन, और कोई? हाँ भाई, माइक लगाना भूल गया था मैं। हाँ बताओ। वन एट्टी वन, वेरी गुड बच्चों। पहला नंबर तो 100 ही होगा, दिखाई दे रहा है इस बार। अगला 105, फिर 1110, डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर बच्चों 1000 होगा। फ्रॉम 100 to 1000 बोला है, अगर बिटवीन 100 एंड 1000 बोलता तो मैं 100 और 1000 को रिमूव कर देता, सही बात है। चलो बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स, एल माइनस ए, लास्ट टर्म इज 1000 माइनस फर्स्ट टर्म इज 100 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस 5 प्लस 1, कितना आंसर आ रहा था बच्चे? 181। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? अगला सवाल लिख रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये पूछा हुआ है आईआईटी जेई का, तो जरा मुझे बताओ। पहला मैं ही बताऊंगा, एक एपी दिया हुआ है, एपी वन, इसके अंदर है 2, 6, 10, 14 डॉट 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 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक ये जा रहा है। एक दूसरा एपी है बच्चों, एपी टू, इसके अंदर सीरीज जो है 2, 8, 14, 20 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 100 टर्म्स है। पहले सवाल लिखो। हाँ चलो, देखो भाई मैं बताता हूं पहला, अगला आप करना। दो एपी दिया हुआ था आपके सामने, बोला कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है। ध्यान से देखो दोनों एपी को, सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं। अगर पहले एपी पे अगर मैं ध्यान दूं, सबका ध्यान बोर्ड पे, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना? 2। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? इसको ए वन बोल देता हूं। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी? 4। एंड व्हाट इज लास्ट टर्म? एल वन, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब ये 100 टर्म्स तक जा रहा है, तो इसका 100 T100 निकाल दो। टी 100 का मतलब हो गया बच्चों ए वन प्लस 99 D1, सही बात। तो इसका वैल्यू देखो एल वन का, तो ए वन का वैल्यू था 2 प्लस 99 × D1 का वैल्यू था 4, देखो तो कितना आ रहा है ये, कितना आएगा ये? हाँ हाँ, 398। ठीक, दूसरे एपी पे एक बार ध्यान दो। दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म ए टू नाम दे देता हूं मैं, दैट इज 2। एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? डी टू, दैट इज 8 माइनस 2, 6। एंड लास्ट टर्म इसका नाम दे देता हूं एल टू, ये भी 100 टर्म्स तक जा रहा है बच्चों, तो लास्ट टर्म इसका होगा ए टू प्लस 99 D2। ए टू का वैल्यू था 2 प्लस 99 × D2 का वैल्यू था 6, कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। फाइव नाइनटी सिक्स आएगा क्या? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इन दोनों एपी को देखो तो इनको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो पहला कॉमन टर्म अपने को दिखाई दे रहा है, क्या तुम देख पा रहे हो? फर्स्ट कॉमन टर्म इज 14, ठीक है, उसके बाद कुछ और आया होगा, उसके बाद कुछ और आया होगा। तो निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कॉमन सीरीज की, जो कॉमन सीरीज बनेगा
सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना है कि जो कॉमन सीरीज बनेगा वो एक एपी ही होगा, दैट विल बी अगेन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओनली। जिसका फर्स्ट टर्म बच्चों, फर्स्ट टर्म जो होगा ऑब्जर्वेशन से, यानी कि तुमको सीरीज देख के पता लग जाएगा कि पहला कॉमन टर्म कौन सा है, वो दिखाई दे रहा है कि उसका फर्स्ट टर्म 14 है। और जो कॉमन सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस देखो 4 और 6, और इनका ले लो एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 कितना होता है भाई, 4 और 6 का एलसीएम बोलो जल्दी, 12। अब सुनो, जो एपी बना नया वाला एपी उसका फर्स्ट टर्म 14 था, कॉमन डिफरेंस 12 था, ठीक है। अब अगला चीज जो सोचने वाली बात है उसका लास्ट टर्म, इमेजिन करें लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म था 398 और इसका लास्ट टर्म था 596। खुद से सोच के देखो क्या 596 लास्ट टर्म हो सकता है, क्या 596 लास्ट टर्म हो सकता है उस कॉमन सीरीज का, हो सकता है क्या? अरे कैसे हो सकता है, पहला वाला सीरीज तो ये वाला सीरीज तो 398 पे जाके खत्म हो गया ना, अगर 398 पे खत्म हो गया तो उसके बाद इसमें कोई टर्म ही नहीं है, तो इसके साथ तो मैच करने का वैसे भी सवाल नहीं है। तो हम एज्यूम करते हैं कि इन दोनों लास्ट टर्म में से, लेट अस एज्यूम कि जो छोटा वाला है वो इसका लास्ट टर्म है, ऐसा मैं मान रहा हूं, लेट एज्यूम इट्स लास्ट टर्म एल इज 398, ठीक है। अब एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, जरा नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ तो L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस वन, देखो कितना आ रहा है एक बार चेक करके, लास्ट टर्म इज 398 माइनस फर्स्ट टर्म इज 14 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस इज 12 प्लस वन, जरा कैलकुलेट करो तो इसको जल्दी से कितना आएगा इसका वैल्यू, ये हो गया 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 1 8, 384 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 कितना आ रहा है बच्चों, 32 प्लस 1, देखो 33 आ रहा है क्या, 33 आ रहा है क्या। अब सुनो, अब कॉन्सेप्ट सुनो, एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली कहानी में ये हुआ, हमने तो इसका लास्ट टर्म माना था, मैंने बोला कि दोनों का लास्ट टर्म देखो और दोनों के लास्ट टर्म में जो छोटा वाला है वो मान लो, मानने के बाद तुम नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक इंटीजर आता है, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आता है तो तुमने जो माना था वो एज्यूम्पशन तुम्हारा बिल्कुल सही था, यानी कि इस कॉमन सीरीज एपी का लास्ट टर्म बिल्कुल 398 ही था। लेट अस एज्यूम ऐसा हो जाता कि एन का वैल्यू 33.5 आ जाता, कभी ऐसा भी हो सकता था, अगर एन का वैल्यू 33.5 आ गया, जरा बताओ 35.5 टर्म होता है क्या किसी सीरीज में, 33.5 टर्म, 33.2 टर्म्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इस फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देते हैं, आंसर बोलेंगे 33। अगर कभी n का वैल्यू 37.9 आ जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देना, आंसर होगा 37। लेकिन उस सिचुएशन में कहानी यह होगा कि तुमने जो लास्ट टर्म एज्यूम किया था वो लास्ट टर्म नहीं था, यानी कि उसके पहले तक कहीं जाके सीरीज रुक गया था, समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बाई लक इस बार जो हमने लास्ट टर्म माना वही लास्ट टर्म निकला उस सीरीज का। यह कैसे पता लगा, एन का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आया इसलिए, अगर एन का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता तो हम क्या करते, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हटा देते, यानी कि उस कंडीशन में अगर 33.5 आता तो आंसर 33 होता, 37.9 आता तो आंसर 37 हो जाता, यानी कि जो लास्ट टर्म हम मान के चल रहे थे वो लास्ट टर्म नहीं था, तो उस कंडीशन में लास्ट टर्म हमको निकालना पड़ता, वो अगले सवाल में बताऊंगा। फिलहाल इस मेथड में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो और इसको नोट करो, टू को, अरे यार तुम पहले क्यों नहीं बोला, एक सेकेंड, ध्यान बोर्ड पे सबका, सबका ध्यान बोर्ड पे, 14 सेकेंड कॉमन टर्म है बच्चों, फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा था, 2 था ना, 2 था, तो यहां पे जो फर्स्ट कॉमन टर्म होगा बच्चों बिल्कुल 2 होगा, रुक जाओ दो मिनट बोर्ड पे ध्यान दो, एलसीएम एंड 4 एंड 6 इज 12, बहुत बढ़िया, लास्ट टर्म ये माना है ये बिल्कुल सही है, ए का वैल्यू 2 रखो, क्या आ रहा है आंसर देखो, तो ये हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 कितना आएगा, 34, बिल्कुल, एक टर्म हमने छोड़ दिया था, 33 आया था, मेरा ध्यान यहां पे गया नहीं पहले टर्म पे, सबसे पहले यही देखना है कि पहला कॉमन टर्म कौन सा है, तो एक टर्म ये छूट गया था तो आंसर 33 आया था, एक्चुअल में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स जो है वो 34 है, बिल्कुल। तो पहला कॉमन टर्म, फिर से बोल रहा हूं मैं सवाल को, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, कभी भी दो एपी दिया हो
सबसे पहले दोनों एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म निकाल लो, अगर दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो निकाल लो। उसके बाद कॉमन सीरीज के ऊपर जाओ, कॉमन सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा वो दोनों एपी को ध्यान से देखो, जो पहला कॉमन टर्म दिख रहा है वही उसका फर्स्ट टर्म होगा, और उस कॉमन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम, और रहा कहानी लास्ट टर्म का, तो दोनों में जो छोटा होगा उसको मान लो लास्ट टर्म उस सीरीज का, और वहां से तुम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर आता है तो जो तुमने एज्यूम किया वो बिल्कुल सही है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है तो तुमको फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना है और उस कंडीशन में तुमको लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा अगले सवाल में। फिलहाल इसको नोट करें सब लोग। किसी को और कोई डाउट, किसी को भी? बिल्कुल बच्चे, ये एक प्रॉपर्टी समझ लो, तुम दो एपी का जो कॉमन टर्म से लेके जो सीरीज बनता है ना वो भी एक एपी ही होता है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दोनों गिवन एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है, समझे बात? इसको नोट करो, एक और सवाल लिखूंगा वो तुम करके दिखाओगे। चाहो तो नोट डाल के कहीं साइड में ये बात लिख भी सकते हो, द कॉमन द सीरीज ऑफ कॉमन टर्म्स ऑब्टेंड फ्रॉम टू डिफरेंट एपीज आर ऑल्सो इन एपी। पहले इसको लिख लो, मैं लिखाई देता हूं वरना भूल जाओगे तुम लोग बाद में नोट्स पढ़ोगे तो। इसको ध्यान से समझ लो, अगला सवाल का आंसर सबका आना चाहिए। नीचे चाहो तो नोट डाल के लिख लो मैं जो बोल रहा हूं, द सीरीज ऑब्टेंड, कहीं नोट डालो साइड में और लिखो, द सीरीज ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज, द सीरीज ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज, द सीरीज ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपीज आर ऑल्सो इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस is the LCM of कॉमन डिफरेंस ऑफ टू गिवन एपीज, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू गिवन एपीज। चलो भाई आपकी बारी, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। सवाल है टू, पहला एपी दिया है 2, 5, 8, 11 .. ये जा रहा है बच्चों 60 टर्म्स तक इस बार। दूसरा एपी दिया है 3, 5, 7, 9 .. ये जा रहा है 50 टर्म्स तक। सवाल फिर से वही है, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू डिफरेंट एपीज। चलो बताओ। हाँ हाँ 50 टर्म्स बच्चे, 50, पहला वाला 60 टर्म्स तक है, सेकेंड वाला 50 टर्म्स तक। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू डिफरेंट एपी सीरीज। चलो बता दो, जिसका आंसर सही आएगा उसको ₹5 का इनाम, और जिसका गलत आएगा उससे ₹5 लूंगा मैं वापस। पहला एपी है 2, 5, 8, 11 .. 60 टर्म्स, सेकेंड एपी इज 3, 5, 7, 9 .. 50 टर्म्स।
जिसका आंसर आएगा वो बोलेगा। हो गया बच्चे कितना आंसर 17 17 और कोई कुछ डिफरेंट वैरायटी किसी का 17। चलो चेक करता हूं एक बार, सब लोग देखो मेरे साथ फिर से। पहले एपी का A1 2 D1 5 माइनस 2 3 L1 L1 इज 60 टर्म, 60 टर्म्स मतलब A1 प्लस 59 D1, ठीक, यानी कि 2 प्लस 59 इंटू 3 कितना आ रहा है ये बच्चों 179 ना। चलो दूसरे एपी के पास आओ, A2 3 D2 5 माइनस 3 2 एंड L2 L2 इज 50th टर्म, 50th टर्म मतलब A2 प्लस 49 D2, A2 का वैल्यू है 3 प्लस 49 इंटू D2 का वैल्यू है 2 कितना आ रहा है ये 101। चलो यहां तक आई थिंक कि सबने सही किया होगा। अब आ जाओ कॉमन सीरीज के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि जो भी कॉमन सीरीज बनेगा उसका फर्स्ट टर्म ऑब्जर्वेशन से देख लो, दोनों में पहला कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो फर्स्ट टर्म हो गया 5 और कॉमन डिफरेंस के लिए दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम यानी कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 हाउ मच 6, यही ना। लास्ट टर्म क्या मान लें, लास्ट टर्म 101 मानूं या 179, 101 जो छोटा है जो स्मॉलर है उसको लास्ट टर्म मान लिया। चलो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, एल माइनस ए यानी कि 101 माइनस 5 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस इज 6 प्लस 1। चेक करो तो जरा बच्चों 101 माइनस 5 कितना होता है 96 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आ गया था बहुत बढ़िया 17 कॉमन टर्म्स होगा। और मजे वाली बात यह कि हमारा एज्यूम्सन भी सही है, जिसको हमने लास्ट टर्म माना है वही लास्ट कॉमन टर्म है। जिनका हो गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ लिखो, और बाकी लोगों के लिए दूसरा सवाल बोर्ड पे है। पहला एपी दिया है 17 21 25 ... 217, इस बार मजे वाली बात यह है कि लास्ट टर्म गिवन है, अपने को निकालना नहीं पड़ेगा। और दूसरा एपी दिया हुआ है 16 21 26 ... 266 तक जा रहा है। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू डिफरेंट एपी सीरीज। सवाल फिर से सेम है, इस बार लास्ट टर्म गिवन है दोनों सीरीज का। और इसमें किसी को अगर डाउट है तो वापस से पूछो, मैं वेट कर रहा हूं। और जिनका हो गया वो सॉल्व करो अगला सवाल, इस बार किसी का गलती नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चे कुछ बोल रहे हो, ये वाला 17 17 और सेकंड वाले का 16 से स्टार्ट है। आंसर बताओ, सब लोग पेन चलाओ और कोशिश करो जब भी सवाल मिलता है उसको सॉल्व करने का। मैथमेटिक्स में जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मूवी देख के मजा आएगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो मूवी भूल जाओगे कुछ दिन बाद। आंसर 10 होगा। एन का वैल्यू क्या आ रहा था बच्चे एग्जैक्ट बताओ तो, 10 point something। चलो बहुत बढ़िया, तो बताओ जरा लास्ट टर्म क्या होगा, यानी कि लास्ट टर्म तुमने जिसको माना था वो लास्ट टर्म नहीं था, तो लास्ट टर्म है क्या, कॉमन सीरीज का लास्ट कॉमन टर्म क्या है वो बताओ। सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि ऑल्सो फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म, इसी में पूछ देगा, क्योंकि इसका लास्ट टर्म जो तुम एज्यूम करोगे वो होगा नहीं, देखना कैसे। पहला एपी, और किसी का आंसर एक बार बोल दो 201। कुछ ज्यादा नहीं हो गया बच्चे,
201। अच्छा लास्ट कॉमन टर्म बोल रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। ए वन का वैल्यू पहले एपी का देखो 17 है, डी वन देखो कॉमन डिफरेंस 4 है, और लास्ट टर्म तो दिया हुआ है, इस बार मेहनत ही नहीं करना है। दूसरे एपी के लिए फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है 16, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है बच्चों 21 - 16 5, एंड लास्ट टर्म भी दिखाई दे रहा है दैट इज 266। ये ए आई ट्रिपल ई का सवाल था बच्चे, ए आई ट्रिपल ई हमारे जमाने में हुआ करता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको आजकल JEE मेन के नाम से जानते हैं। खैर चलो इधर देखो, कॉमन सीरीज के पास आ जाओ। कॉमन सीरीज की अगर बात की जाए तो फर्स्ट टर्म ऑब्जर्वेशन से देखो, पहला कॉमन टर्म दिख रहा है 21 जो दोनों में है। कॉमन डिफरेंस के लिए एलसीएम ले लो, किसका किसका एलसीएम सर, 4 और 5 का कितना आता है 20, और रही बात लास्ट टर्म तो एज्यूम कर लो दोनों में छोटा कौन दिख रहा है 217, तो मान लिया इसको लास्ट कॉमन टर्म। ये एज्यूम्सन है बच्चों, बार बार ख्याल रखना ये एज्यूम करते हैं हम। अब देखो इस एज्यूम्सन के हिसाब से अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालूं तो एल माइनस ए 217 - 21 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस इज 20 + 1। देखो जरा 217 - 21 कितना होता है 196 होता है क्या, डिवाइड बाई 20 + 1 ये देखो जाएगा तुम्हारा 2 से इसको ले जाओ 98, और नीचे एक जीरो है तो ये 9.8 होगा, है ना। तो n का वैल्यू आ गया 9.8 + 1 दैट मीन्स 10.8, और पहले ही बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स ना तो कभी निगेटिव हो सकता है ना तो कभी फ्रैक्शन हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाता है कि इस सीरीज में 10.8 टर्म है, ये बोलना बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले तो इसको हटाओ, यानी कि n का वैल्यू 10 होगा, जो पहला आंसर है वो है 10, यानी कि दोनों सीरीज के पास 10 कॉमन टर्म्स थे। तो अगला सवाल आता है कि सर लास्ट टर्म हमने जो माना वो तो गलत हो गया, देन व्हाट इज लास्ट कॉमन टर्म, सवाल ये भी पूछा जाएगा व्हाट इज लास्ट कॉमन टर्म। लास्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए बच्चों कुछ मत करो, 10 टर्म था इस सीरीज में, T10 निकाल दो, दैट इज द लास्ट टर्म। T10 का मतलब A+9D, A+9D का मतलब बच्चों A का वैल्यू था हमारा 21 + 9 इंटू कॉमन डिफरेंस था अपना देखो 20, तो 20 × 9 180 + 21 दैट इज 201, दिस इज लास्ट टर्म। यानी कि एक बात तो तय हो गया बच्चों, क्या तय हो गया सर, देखो इधर जो कॉमन सीरीज बना है उसका पहला टर्म दिख रहा था 21, कॉमन डिफरेंस था 20 का, तो अगला टर्म क्या होता 21 + 20 हाउ मच 41, अगला टर्म क्या होता 41 + 20 कितना 61, ऐसे चलता जाता और कहां तक जाता 201 तक जाके कहानी रुक जाता, यानी कि ये था एग्जैक्ट कॉमन सीरीज। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो कृपया पूछें, नहीं तो मैं बढ़ूंगा आगे। किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो, यहां तक अगर समझ में आया तो हम बढ़ेंगे आगे। हां जी किसी को कोई दिक्कत, कम से कम हां ना बोल दिया करो बीच बीच में, ठीक है, मुझे लगेगा कि तुम लोग हो, पता लगा मैं अकेला पढ़ा रहा हूं और तुम लोग लैपटॉप ऑन करके कुछ और करने में बिजी हो गए। मिटाऊं क्या, हो गया क्या सबका लिखना, किसी का छूट जाए तो रोकना जरूर मुझे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स, उसके पहले रुको रुको, सम ऑफ एन टर्म्स को रुको एक बार, थोड़ी देर के लिए छोड़ो उसको, एक नोट डाल के प्रॉपर्टी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नोट डालो और दो लाइन लिखो जो मैं लिखा रहा हूं, लिखो पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। सम ऑफ द टर्म्स, सम SUM नॉट SOME, SUM, सम, सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट, सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम एंड, सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम एंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट
इन एन एपी सीरीज सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन एन एपी सीरीज। देखना बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना ये चाह रहा हूं जैसे कोई एपी सीरीज दिया हुआ है, सपोज कोई भी एपी सीरीज दैट इज सपोज T1, T2, T3 डॉट 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 Tn तक जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर T1 और Tn को ऐड करो, यानी कि बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म ऐड करके देखो, या फिर बिगिनिंग से सेकेंड टर्म T2 और एंड से सेकेंड टर्म यानी कि Tn-1, या फिर बिगिनिंग से थर्ड टर्म और एंड से थर्ड टर्म यानी कि Tn-2, इन सब का वैल्यू बच्चों हमेशा सेम आएगा। मैं एग्जांपल से दिखा देता हूं, एक एपी ले लो कुछ भी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये देखो एक एपी सीरीज है, बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म एंड से फर्स्ट टर्म ऐड करो कितना मिलेगा, 2 + 12, 14 मिलेगा, बिगिनिंग से सेकेंड टर्म एंड से सेकेंड टर्म ऐड करके देखो 4 + 10 अगेन 14, बिगिनिंग से थर्ड टर्म एंड से थर्ड टर्म 6 + 8 कितना मिलेगा 14। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों एपी का, किसी भी एपी सीरीज में इक्विडिस्टेंट टर्म बिगिनिंग से और एंड से उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा पहला इधर से ऐड करो वही मिलेगा, सेकेंड इधर से ऐड करो सेम मिलेगा, थर्ड इधर से ऐड करो हमेशा सेम मिलेगा, यानी कि इन सब का वैल्यू बच्चों बराबर होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो इसको नोट करो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन एन एपी, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन एन एपी, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन एन एपी, सम ऑफ द टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन एन एपी। इसके बाद आप हेडिंग लगा सकते हो सम ऑफ एंड टर्म्स, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी। चलिए ध्यान बोर्ड पे, अगर ये लिखना हो गया तो पेन रोको दो मिनट के लिए, एक छोटा सा प्रूफ है देख लो। एक एपी सीरीज दिया हुआ है, मान लो a + d a + 2d डॉट 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 a + n-1 × d, दिस इज nth टर्म, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3 डॉट 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 दिस इज tn। हमें इस बार क्या निकालना है, इन सारे टर्म्स का सम निकालना है। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो, इनका मतलब होता है बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स, ये एक सिंबल है स्टैंडर्ड सिंबल, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब हो गया कि t1 + t2 + t3 + ……tn। ध्यान से बोर्ड पे देखते जाना, sn का मतलब सारे टर्म्स का सम। मैंने सीरीज को कुछ नहीं किया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही सीरीज फिर से लिख रहा हूं उल्टा करके, उल्टा करके समझ रहे हो, लास्ट वाला पहले यानी कि tn, उसके पहले क्या आया होता tn-1, उसके पहले क्या आया होता tn-2 डॉट 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 और ये वाला पहुंच जाएगा लास्ट में t1। कुछ भी नहीं किया है मैंने, सीरीज को लिखा एक बार फिर, सीरीज को लिखा उल्टा करके और इन दोनों को कर दिया ऐड। इधर देखो sn प्लस sn हो गया बच्चों 2sn, ठीक, ये ऐड हुआ, देखना t1 प्लस tn प्लस t2 प्लस tn-1 प्लस t3 प्लस tn-2 प्लस डॉट 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 tn प्लस t1। यहां तक किसी को दिक्कत देखने में? अब देखो ध्यान से, ये कपल बन गया, ठीक है ना, सबको पार्टनर मिल गया अपना अपना, और टोटल n टर्म्स था तो यहां पे n कपल आ गए, n कपल। और मजे वाली बात क्या है, मजे वाली बात ये है कि ये बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म, ये एंड से फर्स्ट टर्म, ये बिगिनिंग से सेकंड टर्म, ये एंड से सेकंड टर्म, ये बिगिनिंग से थर्ड, ये एंड से थर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या इन सबका वैल्यू सेम ही होगा? अरे होगा क्या? तो क्या इन सबके जगह पे अगर मैं t1 प्लस tn ही लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? 2sn इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं t1 प्लस tn, दूसरे वाले के जगह पे भी लिख दूं अगर t1 प्लस tn, तीसरे वाले के जगह पे भी t1 प्लस tn डॉट डॉट डॉट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबका वैल्यू बराबर है
और कितना कपल है, n, n टोटल है n, तो 2sn का वैल्यू आ जाता n टाइम्स क्या, t1 प्लस tn, यानी कि sn इक्वल टू 2 को उधर भेज दूं तो n by 2 इंटू t1, व्हाट इज t1 a एंड व्हाट इज tn, tn को थोड़ी देर के लिए लास्ट टर्म मान लो, तो n by 2 इंटू a प्लस l, देखो पहला फॉर्मूला ये मिलता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap इक्वल टू n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म गिवन ना हो तो tn का वैल्यू रख दो, यानी कि sn इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस tn के जगह पे कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ये फॉर्मूला आपने बचपन में बिल्कुल पढ़ा होगा, n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देखा है क्या ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखा है क्या कभी बचपन में, n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ये फॉर्मूला बच्चों तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n, और ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स के साथ साथ लास्ट टर्म दिया हो, l इज लास्ट टर्म। चलो नोट करो और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। तो अगर कभी भी लास्ट टर्म पता होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और अगर नंबर ऑफ टर्म सिर्फ पता होगा तो n by 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। तो इसका यूज करके हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap निकालते हैं, हो गया लिखना। लिखो लिखो आराम से लिखो, अपने पास पूरा दिन है, लॉकडाउन में वैसे भी काम ही क्या है। तुम लोग करते क्या हो घर पे दिन भर रात भर, सोना और गेम पबजी, सही है बेटा बहुत बढ़िया, कभी खेलूंगा तुम लोग के साथ भी पबजी लाइव आके, रुक जाओ। अब हो गया, हाँ बच्चे थोड़ा जोर से गाओ हम भी सुने, बढ़िया गाना गाता है तुम, क्या गाना गा रहे है? मेरी राहें तेरी राहें, अरे हो गया मिटाऊं। चलो एक और कॉन्सेप्ट बता ही देता हूं इसी के साथ साथ, इस सम ऑफ एन टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं, अब इसके अंदर चलते हैं, बाहर बाहर देखने से मजा नहीं है, थोड़ा अंदर घुस के देखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो देखो ये दिख रहा है n by 2 into 2a, ठीक है, प्लस n by 2 into, यहां से आएगा बच्चों n into d, तो nd, और फिर आएगा n by 2 into, यहां पे देखो मिलेगा माइनस d, तो माइनस, अरे 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 मैडम क्या हुआ, सब ठीक है, बोलता ही नहीं है सब। चलो इधर देखो, मजा मत लो तुम लोग ऑनलाइन क्लास का, ठीक है कि नहीं, चलो ध्यान दो बोर्ड पे। तो एस एन इक्वल टू, ये टू से टू गया बच्चों, यहां बच्चा एन ए, ठीक,
यहां पे देखो तो हो गया एन स्क्वायर बाई टू इंटू डी माइनस एन बाई टू इंटू डी, ठीक है। इन दोनों से चाहो तो तुम n कॉमन कर लो इससे और इससे, तो Sn का वैल्यू आ जाता इससे और इससे, अगर n कॉमन ले लूं तो a माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर। मैंने बताया था Sn का मतलब वेरिएबल n है बच्चों, तो ये भी कांस्टेंट और ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, इसको नाम दे देता हूं b और इसको नाम दे देता हूं a। तो Sn जो निकल के आता है हमेशा an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में निकल के आता है। जैसे लास्ट क्लास मैंने बताया था nth टर्म जो होता था, याद करो nth टर्म tn जो था an प्लस b के फॉर्म में था, याद है। वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये था लीनियर एक्सप्रेशन, बट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an ap इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, an स्क्वायर प्लस bn। जहां खास बात क्या है, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है देखो वो कॉमन डिफरेंस का आधा है, यानी कि ये जो a दिख रहा है a दैट इज d बाई टू, यानी कि d का वैल्यू निकालना है तो 2a, यानी कि n स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उस ap का कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। अभी कुछ लिखना मत, बोर्ड पे देखो बस। इसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ आज के बाद हम ap के सम ऑफ n टर्म्स को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है अगर 2n स्क्वायर प्लस 3n, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए बच्चे, कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं बोल दूंगा कि दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap, देख के पहचान जाऊंगा मैं दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap। और अगर कोई बोले कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहा होगा उस ap सीरीज का, बताओ, n स्क्वायर का जो भी कॉफिशियंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कि उसका कॉमन डिफरेंस बच्चों 4 रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कहीं लिखा हुआ है 2n माइनस 5n स्क्वायर, तो ध्यान से देखो तो ये भी ap का सम ऑफ n टर्म्स है, बताओ उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस 10, n स्क्वायर के कॉफिशियंट का डबल, बिल्कुल सही। चलो बहुत बढ़िया, लगता है तुमको समझ में आ गया। किसी को डाउट है? नहीं तो एक काम करो, नोट डालो इसके ऊपर, एक नोट डालोगे और पहले जो लिखा रहा हूं वो लिख लो, उसके बाद ये लिखना है। नोट्स बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक बनाते जन्ना, ऐसा नोट्स तुमको भारत में नहीं मिलेगा और कहीं पे। लिखो, नोट में लिखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, ये लिख रहे हो क्या तुम? पहले बोला, पहले जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख लो, उसके बाद ये लिखना था। कहीं पे जगह देख के लिख लो, एडजस्ट कर लो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, वेयर टू टाइम्स द कोफिशियंट ऑफ n स्क्वायर, वेयर टू टाइम्स द कोफिशियंट ऑफ n स्क्वायर, टू टाइम्स द कोफिशियंट ऑफ n स्क्वायर इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट ap सीरीज, वेयर टू टाइम्स द कोफिशियंट ऑफ n स्क्वायर इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट ap सीरीज। चलो बाकी लिख लो उसके नीचे ये सारा कहानी। फिर से बोल रहा हूं, नोट्स बहुत बढ़िया से, बहुत प्यार से बनाना, ताकि 2 महीने 3 महीने बाद पढ़ो तो गजनी ना बन जाओ कि ये क्या था, ये चाइनीज में लिखा हुआ क्या है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। PUBG
हो गया। तुम लोग मोबाइल में देख रहे हो लैपटॉप में देख रहे हो? अच्छा लैपटॉप में देखते, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता। घर में लैपटॉप नहीं है क्या? क्या लैपटॉप में? अच्छा स्मार्ट टीवी नहीं? स्मार्ट टीवी नहीं है तुम लोग घर में? स्मार्ट टीवी तो मोबाइल को कनेक्ट कर लो यार, टीवी के साथ स्क्रीनिंग होता है आजकल स्मार्ट टीवी के साथ, मस्त टीवी में पढ़ो। अरे क्या लंबा प्रोसेस है, कुछ भी बोलता है तुम। कौन सा कंपनी का है टीवी? स्मार्ट टीवी होगा ही नहीं तब तो बहुत लंबा प्रोसेस है बच्चे। अगर है तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। मोबाइल वो टीवी के सेटिंग में जाओ, मोबाइल स्क्रीनिंग करके ऑप्शन आता है, ऐड करो, मोबाइल में जो चलेगा टीवी में चला जाएगा वाईफाई से, कुछ प्रोसेस नहीं है। ट्राई करके देख लेना एक बार। चलो आ जाओ। अरे हद है यार, माँ बाप इतना कर ही सकते हैं बच्चों के लिए? खुशी खुशी दे देंगे, हाँ बेटा जा पढ़ ले। तू पढ़ने के लिए पहली बार टीवी मांग रहा है तू? बाकी दिन में तो तुमने किसी और काम के लिए मांगा होगा। चलो आ जाओ, एक एपी ले लो तुम, छोटा सा सवाल है। एक एपी सीरीज दिया है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49 तक। फाइंड सम ऑफ द गिवन सीरीज, निकालो निकालो। फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज 1, 3, 5, 7, 49 तक जा रहा है, इसका सम फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म दिख रहा है 1, नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहा है क्या? चाहो तो निकाल लो, वैसे तो दिखाई दे रहा है कि 49 ही होगा। और लास्ट टर्म भी मजे वाली बात यह है कि 49 ही है। ठीक है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, सम मतलब सम ऑफ 49 टर्म्स। फॉर्मूला हमने पढ़ा एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यानी कि 49/2 फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 49। 2 से देखो ये 50 है, 25 से कैंसिल हो गया, 49/25 मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 1225, ऐसे आंसर। ये बच्चों वाले सवाल थे। अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, लिखो nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई, nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई tn इक्वल टू 2n/3+1। nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई tn इक्वल टू 2n/3+1। देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज गिवन बाई टी एन इक्वल टू 2n/3+1। देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ये nth टर्म, जनरल टर्म दिया हुआ है, 20 टर्म्स का सब निकालना है। तो देखो सम वाले फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, n तो पता है ही, a और l चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए बच्चों। और यहां से फर्स्ट टर्म तुमको दिखाई दे रहा है, n के जगह 1 रख दें तो t1 मिल जाएगा, 2/1/3+1 कितना आ जाएगा? 5/3। और लास्ट टर्म निकालने के लिए n के जगह 20 रख दो, 20th टर्म के लिए, तो t20 मिल जाएगा तुमको, कितना? 2/20/3+1 कितना आ रहा है ये? 43/3। फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, फॉर्मूला लगा रहा हूं, n20 = n/2, यानी कि 20/2 × a + l, यानी कि 20/2 × a का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब लास्ट टर्म, 43/3। सॉल्व करो कितना आ रहा है? 480/3। 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा,
160। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें, नहीं तो मैं चलूंगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जल्दी से करके दिखाओगे? लिखो, इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स इज इक्वल टू, इन एन एपी फिर से बोल रहा हूं, इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स। इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स। यानी कि ये दिया है, अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो S10 इक्वल टू फोर टाइम्स S5। देन फाइंड रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। देन फाइंड रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। यानी कि तुमको ए बाई डी का वैल्यू निकालना है बच्चे। फाइंड रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी सीरीज। चलो, बताने वाले को पांच रुपए हालांकि कम है लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जल्दी आंसर बताओ। दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दो बच्चे, जिसमें ए और डी आता था उस वो फॉर्मूला, दूसरा वाला। अरे ये वाला फॉर्मूला n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला अप्लाई करो दोनों साइड, देखो आंसर आएगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई डी, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तुम सब लोग गुवाहाटी के ही हो क्या या कोई बाहर का भी है? किसी का आंसर आए तो आवाज देना। कितना? 1/2। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। जिसका 1/2 आया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं आया और भी बढ़िया। चलो यार ध्यान दो, कभी उदास मत होना कभी आंसर को लेके, आए ना आए मैं बताने के बाद जरूर आना चाहिए उसके बाद। चलो इधर आओ, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहां पे n का वैल्यू 10 है तो 10/2 इंटू टू ए प्लस 10-1 इंटू डी, और RHS में देखो तो 4 टाइम्स S5 का मतलब n का वैल्यू 5 हो गया, 5/2 इंटू टू ए प्लस 5-1 इंटू डी। सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं, 2 से गया 5, ये 5 ने ये 5 को मार दिया, ये 2 से गया 2, तो यहां बचा 2a प्लस 9d, और RHS में देखो एक 2 बाहर है तो 2 इंटू 2 हो गया 4a, और ये है 4d, 4 इंटू 2 हो गया 8d, 9d माइनस 8d तो d हो गया, और उधर गया 4a माइनस 2a, 2a हो गया। अपने को निकालना है बच्चे a बाई डी, डी को उधर भेजो, 2 को इधर लाओ, 1/2 इज योर आंसर। बोलो किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक तो कृपया पूछ लें एक बार। आज के लिए इतना ही, इसके बाद का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसको बस एक बार रिवाइज करके रखना। अभी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूं बस उसको रिवाइज करके रखो। पबजी खेलो बहुत बढ़िया बात है, बट अपने शेड्यूल में एक बार पढ़ाई को जरूर इंक्लूड कर लो, समझ रहे हो बात को? थोड़ा गेम का टाइम थोड़ा कम करो बिल्कुल, और पढ़ाई अच्छे से करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हाँ, थैंक यू।